थाने महानगर पालिका के गार्डन पर एक व्यक्ति कब्जा करके इस पर भरनी कर रहा है। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास से लगकर श्रीन विला इमारत के पास मनपा का ये पुराना गार्डन है और इसी गार्डन पर एक व्यक्ति कब्जा करके यहाँ पर भरनी कर रहा है। इस गार्डन की दुरुस्ती के लिए ओवैस शेख नाम के एक शख्स हमेशा मनपा से पत्र व्यवहार करके इस गार्डन को दुरुस्त करने की मांग करते थे, लेकिन अब यहां देखा जा रहा है कि इस गार्डन पर कोई और व्यक्ति ही कब्जा करके भरनी कर रहा है। इस भरनी को लेकर स्थानीय लोगों में विरोध है। गार्डन पर कब्जा कोई कैसे कर सकता है, तमाम लोगों का ऐसा कहना है। हालांकि मनपा में पत्र व्यवहार करके गार्डन संबंधित इसे दुरुस्त करने की मांग करने वाले ओवैस शेख ने गार्डन पर कब्जा कर भरनी करने को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका, ये कौन सी जगह है और कौन कब्जा कर रहा है? जी, मेरा नाम ओवैस मकसूद शेख है और ये श्रीमिला के सामने एक TMC का गार्डन है, उस पर कब्जा हो रहा है। कोई बंदा है सलीम मंसूरी नाम का, उसके बिहाफ पे ये कब्जा हो रहा है और कल से यहाँ पर बहुत भरनी चालू हो गई है और बच्चे लोग खेल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये इससे पहले क्या था? ये गार्डन था और TMC का गार्डन है, बट TMC अभी फ़िलहाल फंड्स की वजह से इसको देख नहीं पा रही थी, तो उसने कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ करके उसमें इसको भरना चालू कर दिया ताकि गार्डन ना रहे। तो जैसे कि इधर आसपास की जो इमारतें हैं उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोर्ट का आदेश का उल्लंघन भी किया जा रहा है। तो जी जी, एक्चुअली ये ना इन्होंने ना गलती कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा के है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पे करा के लिया था 7-12 पे इनका नाम, लेकिन ये प्लॉट का नहीं किया था, दूसरे प्लॉट का किया था। अब उसको वो यहाँ पे मिसगाइड करके कोर्ट केस डाले थे और उसके लिए ना उन्होंने वो कोर्ट केस के बेस में हम लोगों ने फाइट किया था और वो हार भी चुके, तो अभी ये फिलहाल कंडेम ऑफ कोर्ट कर रहे हैं वो। और TMC से मुझे रिक्वेस्ट है कि ये कंडेम ऑफ कोर्ट करे तो इनके ऊपर, क्योंकि जो केस है बिटवीन TMC एंड दिस बिल्डर है, बिकॉज दिस लैंड बिलोंग्स टू TMC एंड गवर्नमेंट, तो इस पर वो कंडेम टू कोर्ट डालिए उस पर और आप इसको अप एंड रनिंग वापस बच्चे लोग के लिए छोड़ दीजिए। TMC से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस है, MLA साहब है, मैडम है, रुता अवार्ड मैडम है, उनसे भी मैंने बात की है, सब लोगों ने अश्योरिटी दिया है, लेकिन आप प्लीज़ इसको एक्सपेडाइट किए नहीं तो ये गार्डन चले जाएगा हाथ से। कौन बिल्डर है और क्या बनाना चाह रहे हैं? सलीम मंसूरी करके एक बिल्डर है, वो G+7 बनाएगा, कमर्शियल बनाएगा, सब जितना भी इलीगल बना सकता बनाएगा वो। तो अगर बिल्डिंगें मंदी है तो इससे क्या लोगों को तकलीफ? देखिए, पीछे कमर्शियल शॉप है, आगे पीछे बच्चे लोग, पहली तो चीज़ है हमारी बिल्डिंग बनने से तो ये चीज़ है कि मुमरा का नुकसान है, क्योंकि मुमरा का गार्डन चले जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास गार्डन नहीं है, गार्डन जो है उसके तो हमको छोड़ना नहीं है, तो इरिस्पेक्टिव हम कोई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बच्चे लोग का नुकसान है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन लोग से, इसको गार्डन ही रखा जाए, क्योंकि ये गार्डन था और गार्डन रहना चाहिए। किसी बिल्डर माफिया को इसमें एटलीस्ट आना नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमारे बच्चों का हक है।